हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे किचन में। आज मैं आपके साथ वाइट बर्फ़ी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। बहुत ही आसानी से आप इसे घर पर बना सकते हैं और दिवाली के दिन इसे बनाइए, तुरंत ही तैयार भी हो जाती है, खाने में भी बहुत ही टेस्टी है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और नए हैं मेरे चैनल पर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। साथ में बेल बटन है उसे भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो स्टार्ट कर लेते हैं ये वाइट बर्फ़ी बनाना। इंस्टेंट मावा वाली वाइट बर्फ़ी बनाने के लिए मैंने गैस पर एक फ्राई पैन चढ़ा दिया है और इसमें मैं 2 टेबलस्पून के करीब घी डाल रही हूँ। तो 2 से 3 टेबलस्पून के करीब घी डाल लेंगे और साथ में यहाँ पर मैं 1 कप के करीब दूध डाल रही हूँ। और अच्छे से मिक्स कर लेंगे दूध और घी को। ये बर्फी बहुत ही आसानी से बनाई जा सकती है दिवाली के टाइम पर। अगर आपको फटाफट ये बर्फी बनानी हो तो ये फटाफट बन जाती है। ये मैंने दूध और घी को मिक्स कर लिया है यहाँ पर, और इसमें मैं मिल्क पाउडर डाल रही हूँ। तो 200 ग्राम के करीब मैंने मिल्क पाउडर लिया है, तो थोड़ा थोड़ा डालेंगे इसमें। 2 कप के करीब मिल्क पाउडर है। और गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो ही रखा है मैंने, और थोड़ा थोड़ा डाल के मिक्स करेंगे ताकि इसमें लम्स बिल्कुल भी ना पड़े। इस तरीके से अगर एक साथ डाल देंगे तो इसमें गुठलियां बन जाएंगी, फिर उसे हटाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो देखिए मैं थोड़ा थोड़ा डाल रही हूँ, लेकिन बिल्कुल भी इसमें लम्स नहीं पड़ रहे हैं। उसके बाद गैस को हम तेज करेंगे, अभी मैंने बिल्कुल लो रखा हुआ है। ऐसे ही डालते रहेंगे और मिलाते रहेंगे। और इसमें मैं 1 कप पिसी हुई चीनी डालूंगी। तो आप चीनी की क्वांटिटी को कम या ज्यादा कर सकते हैं, मिल्क पाउडर में अपनी स्वीटनेस होती है, तो इसके अनुसार आप डाल सकते हैं कम या ज्यादा चीनी। तो मैं यहां पर 1 कप डालूंगी, 2 कप मिल्क पाउडर में 1 कप पीसी हुई चीनी डालूंगी। तो उसे मैंने चीनी को मैंने ग्राइंडर जार में डालकर उसका पाउडर बना लिया है। तो ऐसे ही इसको मिक्स करते जाएंगे बिना लम्स पड़े हुए। तो देखिए धीरे धीरे गाढ़ा होता जा रहा है मिक्सचर। फटाफट इसके लम्स हम हटाते रहेंगे। यहाँ पर मैंने 200 ग्राम का एक पाउच लिया था जिसमें 2 कप के करीब मिल्क पाउडर था, तो ये मैंने पूरा थोड़ा थोड़ा करके डाल दिया है। और गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो ही रहने देंगे और इसे हम मिक्स करते रहेंगे। अगर ये जल्दी जल्दी गाढ़ा होता जा रहा है तो आप गैस को बंद भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं गैस के को मैंने ऑफ कर दिया है और अच्छे से मिक्स करेंगे, उसके बाद गैस को ऑन करेंगे। गैस को ऑफ करने से ये बहुत अच्छे से आराम से मिक्स हो जाएगा, क्योंकि ये पकना बंद हो जाएगा। गैस को बंद करके मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और उसके बाद मैंने गैस को ऑन कर दिया है। तो गैस के फ्लेम को अभी भी स्लो ही रखना है हमें। और इसमें अब हम चीनी डाल लेते हैं। तो यहाँ पर मैं पिसी हुई चीनी डाल रही हूँ, तो जैसा भी आप मीठा पसंद करते हैं वैसा डाल सकते हो। तो यहाँ पर मैं 1 कप से कम चीनी डाल रही हूँ पिसी हुई, और इसे मिक्स करेंगे। यहाँ पर मैंने चीनी को मिक्स कर लिया है और इसमें आप इलायची का पाउडर डाल लेते हैं, 1/4 चम्मच इलायची का पाउडर। तो अब इस मिक्सचर को हम पकाना शुरू करेंगे, जब तक कि बिल्कुल डो की फॉर्म में ना आ जाए। थोड़ा सा गीला रखना है तब तक इसे पकाना है। तो गैस के फ्लेम को मैं लो से थोड़ा हाई कर रही हूँ। देखिए बिल्कुल स्मूथ टेक्सचर है इसका। ये देखिए मैंने इसे गैस के फ्लेम को तेज करके इसे पकाना शुरू कर दिया है। तो ऐसे ही लगातार चलाते रहेंगे, इसे छोड़ेंगे बिल्कुल भी नहीं। इसमें जो मिल्क पाउडर का कच्चापन है पकाने से दूर हो जाएगा।
यहाँ पर मिक्सचर ने पैन छोड़ना शुरू कर दिया है, थोड़ा सा और पकाएंगे इसे। देखिए तो देखिए जो हमने मिक्सचर तैयार किया है थोड़ा बाइंडिंग के फॉर्म में आ गया है, तो स्टेज तक ही पकाएंगे, इसे ज्यादा नहीं करेंगे। इसे आप प्लेट में निकाल लेते हैं, तो एक प्लेट मैंने घी से ग्रीस करके रखा हुआ है, उसमें ये पूरा मिक्सचर निकाल लेते हैं। फैला लेंगे इसे इक्वली। तो मैंने इसे अच्छे से फैला लिया है और एक स्पैचुला पे थोड़ा सा घी लगाकर इसे मैं इक्वल कर लूंगी बिल्कुल। तो देखिए बिल्कुल इक्वल हो गया ये। और इसके बाद मैंने थोड़े से पिस्ते कटिंग करके रखे हैं, इसके ऊपर डाल देंगे हम। स्पैचुला से इसको हल्का सा प्रेस कर देंगे ताकि ये इसमें सेट हो जाए। और इसको मैं फ्रिज में रख दे रही हूँ आधे घंटे के लिए ताकि सेट हो जाए। अगर आप इसे वैसे भी बाहर फ्रिज के 2 घंटे के लिए रख सकते हैं, लेकिन आपको जल्दी अगर इसे तैयार करना है तो इसे आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिए, उसके बाद इसकी कटिंग करेंगे। आधा घंटा हो गया है और बर्फी हमारी पूरी सेट हो गई है, तो बहुत अच्छे से सेट हो गई है। तो थोड़ा सा प्लेट को मैं नीचे से गर्म कर लेती हूँ गैस पे रख के। यहाँ पर मैंने गैस को ऑन कर दिया है और इसको हल्का सा मैं गर्म कर लूंगी ताकि बर्फी हमारी बहुत आराम से निकल जाए। गरम करने के बाद यहाँ पर मैंने एक नाइफ ले लिया है और नाइफ को हल्का सा घी से ग्रीस कर लेंगे। और अब बर्फी कट कर लेते हैं, तो मनचाहे पीसेस में से कट कर लेंगे। बहुत ही स्मूथ कट रही है बर्फी हमारी। दूसरी तरफ से काट लेते हैं। आप चाहें तो नाइफ को थोड़ा गर्म भी कर सकते हैं, उससे भी बहुत आसानी से बर्फी कट जाती है। तो बर्फी को अब निकाल लेते हैं पीसेस कट करने के बाद। और ये देखिए हमारी इंस्टेंट बर्फी बनके तैयार है, बिल्कुल वैसे ही लगती है जैसे मार्केट में मिलती है, खाने में भी बहुत ही टेस्टी है। तो इस बर्फी की रेसिपी को आप जरूर ट्राई कीजिए, दिवाली पर जरूर बनाइए ये व्हाइट बर्फी, सबको बहुत ही पसंद आएगी। और अच्छा लगने पर फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, मेरे साथ कमेंट करके शेयर कीजिए रेसिपी आपको कैसी लगी। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ नए एपिसोड में, धन्यवाद।